हेलो फ्रेंड्स, आज भी मॉर्निंग मेरे लिए भागम भाग वाली होने वाली है क्योंकि नीर के पापा की तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे नीर को स्कूल बस तक ड्रॉप करने जाना है और उससे पहले करनी है नीर की टिफ़िन की तैयारी। आज वेकअप अलार्म भी मैंने 10-15 मिनट नॉर्मल टाइम से पहले का ही लगा लिया था और आज के दिन नीर के स्कूल में अलाउड था अपनी फेवरेट आइटम लेके जाना टिफ़िन में, तो मैंने उसके लिए रख दिया था फेवरेट बर्गर। बर्गर में केचप और मेयोनीज मैंने पहले ही लगा दी थी और बस उसके अंदर फिर लगा दी थी टिक्की, थोड़ा सा टमाटर और साथ ही में चीज़। टिक्की को कर दिया था मैंने एयर फ्रायर में फ्राई। लास्ट वीकेंड लाइव सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव रहा था, थैंक्स फॉर जॉइनिंग दैट सेशन। लेकिन मेरे पास बाद में काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि मैंने अपने हस्बैंड को उसमें कवर नहीं करा था, तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, काफ़ी कफ वगैरह हो रहा था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव सेशन करूँगी तो ज़रूर उनको कवर करूँगी। साथ ही में काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि नीर के साथ इंटरेक्शन, नीर के साथ चैट नहीं सारे लोग कर पाए क्योंकि काफ़ी लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया था या तब ज्वाइन किया था जब लाइव सेशन एंड हो गया था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव सेशन करूँगी तो उसमें नीर को प्राइमरी रखेंगे बोलने के लिए। नेक्स्ट लाइव सेशन अगर आप चाहते हैं मैं प्लान करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट्स या मैसेजेस के थ्रू पोस्ट कर दीजिएगा ताकि उसको मैं क्विकली ड्यूरिंग लाइव सेशन ले पाऊँ। आगे लिस्ट नींद तो नहीं आ रही। थैंकफुली आज भी हम टाइम से पहुँच ही गए थे बस स्टॉप पे क्योंकि नीर को मैं बहुत ही कम छोड़ने जाती हूँ स्कूल बस स्टॉप तक, तो मुझे थोड़ा टाइम का आइडिया नहीं रहता तो हम जल्दी ही निकल जाते हैं। फटाफट से वापस आके मैंने थोड़े से घर के काम निपटाए और आज मुझे बनाना था खाने में सांभर। सांभर या कोई भी रेसिपी हो वो मैं ज़्यादातर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी क्विकली क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता मॉर्निंग में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो दाल के अंदर टमाटर, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मैंने उसको उबालने के लिए रख दिया। सब्जी मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई थी जिसमें मैंने यूज़ किया था गाजर और बीन्स, तो बस फाइनली जब दाल उबल गई उसको थोड़ा सा मैश किया था ब्लेंडर यूज़ करके और उसमें डाल दी थी सारी की सारी वेजेस, थोड़ा सा नींबू का रस और साथ ही में लगा दिया था तड़का जिसके अंदर मैंने यूज़ किया था सरसों का तेल, सरसों दाना, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा सांभर मसाला और बस तड़का रेडी हो गया था। तड़का लगा के मैंने वापस से सांभर को रख दिया था थोड़ी देर और पकने के लिए और दो विसल के बाद बंद करा। लाइव सेशन के लिए अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सके तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम वही वाले टॉपिक पे लाइव सेशन करेंगे। अगर आप ऑनियन यूज़ करते हैं तो छोटे साइज़ के जो प्याज होते हैं वो हम सांभर में डाल सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। मेरे पास थे नहीं तो मैंने डाले नहीं थे लेकिन जब भी होते हैं मैं ज़रूर डालती हूँ। किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सांभर में और कौन सी वेजेस आप यूज़ करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बीन्स और गाजर ही यूज़ करती हूँ और कभी कभी सीताफल। सांभर में घिया भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उससे भी, लेकिन नीर और उसके पापा बिल्कुल नहीं खाते, बहुत ज़्यादा वो नखरे करते हैं तो मैं वो अवॉइड ही करती हूँ। लाइव सेशन में मुझे किसी ने बताया था कि उन्होंने मेरी काफ़ी रेसिपीज ट्राई करी है जो काफ़ी अच्छी बनी थी, तो अगर आपने कोई रेसिपी ट्राई करी है वीडियोस देख के तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। मेरे हस्बैंड तो आज छुट्टी पे थे लेकिन मुझे निकलना था ऑफिस और यम्मी सा सांभर भी रेडी हो गया था, तो बस फटाफट से लंच और ब्रेकफास्ट मैंने अपना पैक किया और मैं निकल गई ऑफिस के लिए। और आज बड़े दिनों बाद बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा जाम मिला था। क्या जाम में फंसते फंसाते ऑफिस पहुँचे और आज ऑफिस से आते हुए मुझे हो गया था थोड़ा टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, तो बस थोड़ा सा मैं लेट आई और आके रात को नीर के साथ शुरू हो गई थी कुछ चिट चैट। आज से ना यहाँ पे अपने रूम में यहाँ बैठना, ठीक है? ठीक है, अब यहीं पे आप अपना टीवी देखो, जो मर्जी करो, पढ़ाई भी है, अपना रूम बना लो। अब मुझे बताओ अभी क्या खाओगे? पनीर पड़ा हुआ है, ठीक है। पनीर का पराठा? नहीं, चाट मसाला डाल के। क्या? पनीर का पराठा चाट मसाला डाल के। अच्छा, वो छोटे छोटे क्यूब्स में भर के और फिर उसके ऊपर चाट मसाला की वो काला नमक काली मिर्च डाल दे, तो चाट मसाला रहने दो। ठीक है, ठीक है। अभी 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 दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आई चीज को मेरी। हाँ तो कर क्यों नहीं रहे हो फिर? इंग्लिश की भी पेपर है एक दिन छोड़ के। नीर का मन कर रहा था चटपटा सा कुछ खाने का, तो बस पनीर में ही थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल के मैंने उसको दे दिया। बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत मज़ा आता है ये वाला पनीर खाने में। आप वो खाते हो बेटा टोफू? हाँ। टोफू आपको अच्छा लगता है? टोफू मंगवा दूँ अभी? नहीं मतलब फिर कभी?
टोफू खाया हुआ ना हमने पहले? हाँ। तो कभी मन करा तो टोफू मंगवा दूंगी, ठीक है? ये ठीक है। एक पीस मैं ले लूँ टेस्ट करने के लिए। अच्छी लगती है आपको डायरी राइटिंग करना? डायरी मेरे को ढूंढनी थी तो मेरे को याद है कि ये डायरी हमने खरीदी थी। हमने बस चीज़ें खरीदी हुई हैं, यूज़ नहीं करी हुई। तो बस ऐसे ही रहा आज का दिन, हेक्टिक भी और साथ ही में बिजी भी।